हम सलमान अभी है, मैं जी डी सी गांधरबल की स्टूडेंट हूँ। सर, हमारा मकसद यही है कि हमें हमारे पेपर्स रीचेक किए जाए। हमारे साथ ना इंसाफी हुई है, हमारा एवेल्यूशन जो स्टेटस है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। वो हमारे हमने जिस हिसाब से पेपर्स किए उस हिसाब से हमारा एवेल्यूशन स्टेटस नहीं निकला है। हम हमारे पेपर्स रीचेक करवाना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं एवेल्यूशन बैरियर, उसके लिए हमें फ़ी देनी है। कोई स्टूडेंट नहीं कर पाता एफोर्ड। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रोज़ पैदल आते थे कॉलेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इवन बॉयज़ जो हफ्ते में 4 दिन मजदूरी करने जाते थे, उसके बाद कॉलेज जाते थे, कॉलेज की फ़ी मुश्किल से सबमिट कर पाते थे। उनके लिए बहुत ही मुश्किल है आज ये रीएवैल्यूएशन। एक सब्जेक्ट का 500 रखा है हमने, हम नहीं कर पाते। मैं कहती हूँ मैं एफर्ट नहीं कर पाऊँगी, तो हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मेरा नाम अजमत अली शाह है, हम जी डी सी गांधरबल से हैं। हमारा आज का प्रोटेस्ट करने का एक ही मोटिव है कि जो हमने हमारे इवेल्यूशन स्टेटस निकला है 5th और 6th सेमेस्टर का, ये हमारे साथ बिल्कुल भी अनफेयर हो गया था। हमारे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने का ये मकसद नहीं है हम आम जनता को प्रॉब्लम में लाएं। हमारा ये एक मेन मोटिव है कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जो कि हमारे पेपर्स हैं वो इन्होंने अच्छे से चेक नहीं किए हैं। हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अगर 5th सेमेस्टर में 120 डेज लिए, जो कि यूनिवर्सिटी के लॉ के अंडर है सिर्फ 40 डेज में इवेल्यूशन स्टेटस निकलना चाहिए, तो उन्होंने 120 डेज किस वजह से लिए? और उन्होंने फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें 60 आउट ऑफ 60 में से एक स्टूडेंट को 68 मार्क्स कैसे दिए गया है? और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वो अटेंडेंस शीट पे वो प्रेजेंट हैं लेकिन उनको इवेल्यूशन स्टेटस में एब्सेंट दिखाया गया, स्टार दिखाया गया है। हम अपने प्रिंसिपल, जो हमारी कंसर्न प्रिंसिपल है मैडम, उनसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनके लिए एप्लीकेशन लेके गए थे, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ली, लेकिन अफसोस की ये बात है अभी तक उस एप्लीकेशन का कोई भी हमें हल नहीं निकला है। यहाँ तक हम यूनिवर्सिटी तक भी गए, उन्होंने वहाँ से यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ बंदों ने बोला ये आपकी एप्लीकेशन रद्दी टोकरी में दी जाएगी। क्या हम इसीलिए हमने ग्रेजुएट एक पर्सन का क्या यही मुकाम है वो अपनी एप्लीकेशन अपने इदारे में दे और उनकी एप्लीकेशन रद्दी टोकरी में दी जाए? हमारी अपील यही रहेगी अपनी यूनिवर्सिटी से, नीलोफर मैडम से हमारी